फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेक क्वेश्चन का कुछ पार्ट हमने कल पढ़ा था और उसके आगे का जो पार्ट है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको दो रूल्स के बारे में बताया था टेक क्वेश्चन के, कि सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रही है या नहीं आ रही। अगर उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होती है तो मॉडल का यूज़ करते हैं, मॉडल भी नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती है तो मेन वर्ब का यूज हम करते हैं। और मेन वर्ब में भी क्या होता है कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी रखी है तो हम डू का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस और यस दिया होता है तो डज का यूज़ करते हैं, और सेकेंड फॉर्म दी हुई होती है तो हम डिड का यूज़ करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट। लेकिन सेकेंड रूल था हमारा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नो को शो करते हैं, नो के बारे में बताते हैं, नेगेटिव बताते हैं, जैसे नो, नन, नॉट, नेवर, नथिंग, नो वन, नोबडी, हार्डली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अगर सेंटेंस में ये आ जाते हैं तो हम उस सेंटेंस को नेगेटिव मानते हैं और उसका टेक क्वेश्चन हम पॉजिटिव में बनाएंगे। और रूल नंबर थर्ड था हमारा प्रोनाउन चेंज, यानी कि इट मीन सब्जेक्ट का प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमारा क्या था तो उसके लिए मैंने बताया था, इसको हम आज एक बार फिर देख लेते हैं। रूल नंबर थर्ड, प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। अब इसमें देखो कि अगर सेंटेंस के अंदर दिस और दैट, अगर सेंटेंस दिस दैट से स्टार्ट होता है तो हम उसका जो प्रोनाउन लिखेंगे वो इट लिखेंगे, दिस और दोस ये दिया हुआ होता है तो हम लिखेंगे दे। अगर किसी भी वर्ड के पीछे वन लगा हुआ हो, जैसे हम बात करें समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, ये सब आते हैं तो हम इसका प्रोनाउन लिखेंगे दे। अगर किसी भी वर्ड के पीछे थिंग वर्ड लगा हुआ हो, जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो हम बात करेंगे, यानी कि उसका सब्जेक्ट लिखेंगे हम इट। अगर नेम ऑफ मेल पर्सन होता है, नेम ऑफ मेल पर्सन, तो हम बात करेंगे ही, यानी कि ही राइट करेंगे, नेम ऑफ फीमेल पर्सन तो सी, और अगर प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो हम लिखेंगे दे, और अगर नॉन लिविंग में होता है तो हम इट लिखेंगे। अब इसमें देखो हम इसको बनाएंगे कैसे। बनाने का हमारा तरीका है कि सबसे पहले आपको, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो, पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम कैसे बनाएंगे कि अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अगर मॉडल दिया हुआ होता है तो मॉडल, और नहीं तो हम अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब बनाएंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए हम इसमें नॉट का यूज करेंगे और फिर हम लिखेंगे प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, इस फॉर्मूले से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, अगर मैंने लिखा दिस इज माई कार, अब इसका टेक क्वेश्चन होगा कैसे। इसके टेक क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप देखो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यस इज, तो हमने लिखा इज। सेकंड देखो, हमें फिर इससे मॉडल और मैनुअल से हमें कोई मतलब नहीं है, नॉट का यूज करना है तो इज प्लस नॉट हमने बताया था इजंट, और फिर लिखना है प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा दिस है और दिस का प्रोनाउन होता है इट, तो हम यहाँ लिख देंगे इजंट। ये इसका टेक क्वेश्चन हो गया, बस आपको इस टाइप से इसको बनाना है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, दीज आर
माय फ्रेंड्स, हम बात करें, दीज आर माय बुक्स, तो देखो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, आर सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए हम इसमें नेगेटिव कर देंगे, नॉट aren't, और दीज आ रहे हैं तो हम कर देंगे इसका, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे आई कैन टीच दिस टॉपिक, आई कैन टीच दिस टॉपिक, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, इसमें आ रहा है मॉडल, तो ये हमने लिखा कैन, और फिर पॉजिटिव है इसलिए नॉट लगा दिया कांट, और ये आई, ये ऑलरेडी प्रोनाउन है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये हो गया कांट आई। अब देखो एक चीज हम देखें, somebody is calling you, somebody is calling you, हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसमें is, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए हमने क्या लगाया isn't, लेकिन यहां पर somebody आ रहा है और somebody का मतलब हमने बताया था they, तो ये चीज देखिए हमें कि यहाँ पर हम रूल्स के अकॉर्डिंग ये बनाए, लेकिन यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये तो हमारा चेंज हो सकता है क्योंकि इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, लेकिन सब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर इसके प्लेस पर हम लगाएंगे आर प्लस यानी कि aren't they, तो इसका जो टेक्वेशन बनेगा वो रहेगा aren't they, तो आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर aren't सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है, aren't, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को हम यूज कर चेंज कर सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट को नहीं कर सकते, इसलिए ये हो गया। अब देखो इसमें एक और देखते हैं, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन, विल ये लगाया विल, सेंटेंस में नथिंग आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव में यानी कि नोट का यूज नहीं करेंगे, और नथिंग आ रहा है इसका मतलब तो इसका हो जाएगा विल इट, इस प्रकार से आपको इक्वेशन इसमें बनाना है। थैंक यू फॉर वाचिंग।